अदब, तहजीब और मुस्कान हमेशा साथ रखती हूँ। अदब, तहजीब और मुस्कान हमेशा साथ रखती हूँ। नवाब हूँ जनाब, लेकिन सबको आप कहती हूँ। तो मुस्कुराइए, हम लखनऊ में हैं। तो आइए लखनऊ शहर की शुरुआत करते हैं। ये है बड़ा इमामबाड़ा, जिसे कि आसफी इमामबाड़ा भी बोला जाता है। बड़ा इमामबाड़ा में इंडियन टूरिस्ट 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेकर के अंदर इमामबाड़ा में जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं बड़ा इमामबाड़ा की हिस्ट्री के बारे में। इनकी शुरुआत है 1775 से किंगडम ओपनिंग है, 1797 में डेट हो गई है। देखिए 49 साल जिए हैं, 49 साल में शासन किया है 22 साल। जन्म है 1748, यूपी स्टेट फोर्सिंग। देखिए लोगों ने इनके बारे में नारा कहा, लोगों ने कहा जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफुर दौला। देखिए बिल्डिंग का पहला हाल है, देखिए बिल्डिंग का फर्स्ट हाल है, फर्स्ट हाल का नाम है चाइनीज हाल। देखिए चाइनीज हाल इसलिए कहते हैं, जैसे लोग चीनी मिट्टी के बर्तन, देखिए गोल चाइना की प्लेट आती है, तो ऊपर आप देखिए छत के ऊपर चाइनीज बनी है प्लेट। देखिए पुराने टाइम में लोग करते थे डिनर, अगर नवाब प्लेट के अंदर खाना खा रहे हैं और खाने के अंदर कलर प्लेट का बदल गया जहर पड़ने के बाद, तो ये ऊपर डिजाइन बनाया है उस जमाने की प्लेट का। देखिए साइड में ये रोशनदान बने हुए हैं, हवा लाइट जो बनाए गए हैं एयर और लाइट के लिए। आप देखिए आगे बार पत्थर का डिस्क लगा हुआ है ताकि इस रोशनदान से कोई चीज नीचे वाले गिरने ना पाए। तो जब लाइट होती थी तो शाम के टाइम में इसके अंदर मशाल लगते थे लाइट के लिए, ये इनका यूज है। लगता है कि कुर्सी लगी हुई है बैठने के लिए। तो ये बिल्डिंग का फर्स्ट हॉल कहलाता है चाइनीज हॉल। देखिए दूसरा हॉल बिल्डिंग का पर्शियन है, देखिए फारसी हॉल है ये। देखिए इसकी आप लंबाई देख रहे हैं 163 फीट, देखिए ज्यादा 163 फीट लंबाई है, चौड़ाई इसकी 54 है, 60 फीट ऊंचाई है। ये पूरा हाल जो है विदाउट एनी पिलर है। देखिए बीच में लोहा लकड़ी गार्डर नहीं है, इसको टिकाया गया है इंटरलॉक सिस्टम पे, इसीलिए एशिया का बिगेस्ट हाल है। देखिए ऊपर का इतना डिजाइन आप देख रहे हैं, ये सारा डिजाइन जो है दीवार के अंदर बनाया गया है। देखिए इसकी हर लाइन ज्वाइन करी है एक दूसरे से, सिस्टम है इंटर कनेक्टिंग। उस जमाने में माइक होते नहीं थे, नीचे अगर इमामबाड़े में धर्मगुरु बैठ के धर्म का प्रचार करे तो उनकी आवाज सुनाई दे पूरे हाल में। देखिए हाल का आकार दिया है ट्रे का, जैसे एक चाय की ट्रे होती है, तो जस्ट लाइक अ टी ट्रे शेप। देखिए सर जी तीसरा हाल, देखिए पहला चाइनीज, फिर पर्शियन और तीसरा इंडियन। देखिए डिजाइन इंडियन है, आप लोग देखते हैं इंडिया में आता है फ्रूट खरबूजा आता है मस मलन। देखिए गुम्बद का डिजाइन खरबूजे का है, इसकी हाइट 60 फीट है, गुम्बद गुलाई में है। जब आप भूल जाएंगे तो ऊपर से कोई रूप नहीं है, ऊपर पूरा फ्लैट है। देखिए नीचे ये इमामबाड़ा, हमने कहा इमामबाड़ा पूजा स्थान है। उस जमाने में अगर इमामबाड़ा कोई धार्मिक हो रहा है प्रोग्राम, दो तरफ लेडीज बैठते थे, बीच में पर्दे, बीच में जेंट्स बैठते थे। बनाने वाले किफायत उल्ला खान फ्रोमीरान, जबकि ताजमहल बनाया शाह मूसा ने, ये इनके ग्रैंडसन पोते हुए। ये रहने वाले ईरान के हैं, निशापुर शहर के। ये है बड़ा इमामबाड़ा के ऊपर वाले माले के रास्ते, जिसे भूल भुलैया का नाम दिया गया है। वैसे तो इसको भूल भुलैया बुलाया नहीं गया था, क्योंकि इसमें 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं जाने के, और एक जैसे दिखने वाले हर मोड़ पे 4 दरवाजे हैं, जिनमें से 3 गलत और 1 सही है। कुल मिला के एक जैसे दिखने वाले 489 दरवाजे हैं, जिसके करके इसे भूल भुलैया नाम दिया गया। भूल भुलैया में अक्सर लोग गाइड करके जाते हैं। गाइड आपको जहाँ पे भी 4 दरवाजे आएंगे वहाँ पे आपको 1 चुनने को बोलेगा, और यकीन मानिए अगर आप सही दरवाज़ा चुनते हो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। और अगर आप गलत दरवाज़ा भी चुन लेते हो तो गाइड आपसे बोलता है कि आप निकल जाओ, तो आप उस दरवाज़े से निकलते हैं, लेकिन गाइड को पता है कि वो दरवाज़ा गलत है। गाइड आपका वेट कर रहा होता है, और कुछ ही देर में आप भी समझ जाते हैं कि आप ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहे हैं, तो आप लौट के वापस आते हैं और गाइड आपका वहीं पे इंतज़ार कर रहा होता है। और यही कहावत है वहाँ की, 4 रास्ते भूत, 1 रास्ता सच और 3 रास्ते भूल भुलैया।
अभी मैं हूँ हजरतगंज लखनऊ मेट्रो स्टेशन के पास में और आपको ले चल रहा हूँ रॉयल कैफ़े, जहाँ की चाट बास्केट वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमें भी किसी ने रिकमेंड किया लखनऊ जाएंगे तो रॉयल कैफ़े हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास ज़रूर जाएं। तो अभी हम वहाँ पे आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं यहाँ की रॉयल कैफ़े की चाट बास्केट कैसी है और इसका खाने में कैसा स्वाद है। तो ये है हमारी वर्ल्ड फेमस चाट बास्केट। ये चाट बास्केट में आलू टिक्की डली हुई है एंड छोले डले हैं, गरम छोले। ये क्वाइट कॉम्बिनेशन है, ये गरम और ठंडा चाट बास्केट दोनों। एक साइड से ठंडी होगी, कुछ बाइट्स आपको ठंडी मिलेंगी, कुछ गरम मिलेंगी। जहाँ पे आलू टिक्की आएगी वहाँ पे गरम मिलेंगी। ऊपर से फ्लेवरिंग की है अनार से भी और नमकीन सेवियाँ भी डाली हुई हैं ऊपर। कुल मिला के कुछ अलग है, वर्ल्ड फेमस है। तो वर्ल्ड फेमस इसीलिए है क्योंकि कुछ अलग है। तो आए तो यहाँ पे रॉयल कैफ़े में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास आके चाट बास्केट ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बास्केट आपको लगभग 230 रुपये की मिलेगी और मज़ा आ जाएगा आपको। अभी मैं लखनऊ के गोमती नगर एरिया में हूँ एंड अभी जा रहा हूँ अमीनाबाद टुंडे कबाबी। बहुत तेज़ बारिश थी तो बारिश के करके लेट हो गया। अभी चलो चलते हैं टुंडे कबाबी एंड शर्मा जी की चाय पीने, फिर आपको बताते हैं किसका कैसा स्वाद है। जिला पहुँच गया हूँ टुंडे कबाबी आप लोगों के लिए। ये टुंडे कबाबी लखनऊ के अमीनाबाद एरिया में है। कोशिश कीजिए हमेशा टैक्सी या रिक्शे से आइए, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आएंगे तो आपको पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है और इस रोड पे हमेशा हर टाइम जाम रहता है। तो कोशिश कीजिए पैदल आइए। ये है दुनिया भर के मशहूर टुंडे कबाबी के गलावटी कबाब। अभी थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ आपको। जो इसके असल ओनर थे टुंडे कबाबी के, उनका एक हाथ नहीं था और वो बहुत ही अल्टीमेट कबाब बनाते थे। ये जो आप कबाब बनते हुए की प्रिपरेशन देख रहे हैं, बिल्कुल सेम वो टुंडे कबाबी जी बनाते थे। उनका एक हाथ ना होने के करके लोगों ने बोलना स्टार्ट किया कि टुंडे के कबाब खाने जाते हैं, तो इस वजह से नाम पड़ा टुंडे कबाबी। जो असल कबाब का नाम है वो है गलावटी कबाब। तो अमीनाबाद एरिया में गलावटी कबाब मिलेंगे आपको टुंडे कबाबी में, जो कि वर्ल्ड फेमस रेसिपी है। तो आप लखनऊ आइए और अमीनाबाद एरिया में टुंडे कबाबी के गलावटी कबाब खाने आइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है ऐसा लग रहा है मुझे। वल तो मैंने तो ट्राई नहीं किए हैं, आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर खा के जाएँ अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो। तो ये थी आपके लिए टुंडे कबाबी। ऑल दो मैंने तो ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन जितना किसी नॉनवेज शॉप पे आज मैंने रश देखा है ना, जितना मैंने आज तक किसी भी नॉनवेज शॉप में रश नहीं देखा। जो खुशबू थी, जो फ्लेवर थी, खुशबू थी, इट वॉज अल्टीमेट। अंदर बैठने की जगह क्या, पाँव रखने की जगह नहीं थी। कम से कम भी एक टाइम पे अंदर 100 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शर्मा जी की चाय पीने, तो ज़रा मुस्कुराइए मेरे साथ। हम शर्मा जी की चाय पीने जा रहे हैं और हम लखनऊ में। यह है शर्मा जी की चाय और बनमस्का में वाइट बटर लगाते हैं, जिसका टेस्ट तो बहुत ही स्वाद है। और इनका चाय बनाने का तरीका भी अलग है। ये दूध को अलग गर्म करते हैं और चाय को अलग से उबालते हैं और बाद में आधा दूध और आधी चाय मिला करके ये चाय सर्व करते हैं। तो शर्मा जी की चाय और बनमस्का बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, आइए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। तो शर्मा जी की चाय पीने के बाद चलते चलते हम पहुंच गए सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे वाली दुकान पे। ये सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे भी लाल बाग में हैं, ठीक 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है शर्मा जी की चाय से। तो आए तो यहाँ पे आप छोले भटूरे का भी मज़ा ले सकते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे हैं छोले भटूरे। तो ये है सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे एंड लखनऊ में है अभी। ये इनके शॉप का नाम, देखिए ट्राई करके। वैसे तो जहाँ से मैं आया वहाँ के छोले भटूरे तो है ही बेस्ट है। यहाँ पे देखा सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे, लेट्स सी की कैसा टेस्ट है।
वो अच्छा है, थोड़े स्पाइसी। नॉर्मली इतने स्पाइसी छोले मैंने खाए नहीं है, लेकिन स्पाइसी। आप लखनऊ आए तो आप लखनऊ का चिकन वर्क कैसे भूल सकते हैं। तो लखनऊ के कपड़ों पे जो चिकन वर्क होता है ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप आएँ तो चिकन वर्क की कुर्तीज़ या कुछ अपने घर वालों के लिए या फैमिली फ्रेंड्स के लिए कुछ भी ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि ये लखनऊ की स्पेशलिटी है। बहुत बढ़िया काम होता है इसका लखनऊ में। मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ रूमी दरवाजा के लखनऊ में। ये हमारे साथ सिराज भाई हैं, ये बताएंगे रूमी दरवाजा की हिस्ट्री। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में हमारे सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इंसानियत के लिए बनाई हुई बिल्डिंग है। ये नवाब साहब नवाब आसिफुद्दौला बहादुर जी दिन में बनवाते थे और रात में इसको डिस्ट्रॉय कराते थे। अकाल के टाइम पे ये बनवाया था रोजगार देने के लिए। 11 साल में कंप्लीट हुआ है रूमी दरवाजा, 1784 का बनाया हुआ, इंसानियत के लिए बनाई हुई बिल्डिंग बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इधर से आप देख रहे हैं 1 फ्लोर 1 गेट नज़र आता है। जब इसके बैक साइड आप देखोगे तो 3 गेट एंड 4 माले की बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, जिसे हम लोग रूमी दरवाजे के नाम से जाना जाता है, जो हमारे लखनऊ का सिंबल भी माना जाता है। रूमी दरवाज़ा नवाब आसिफुद्दौला बहादुर जी का बनाया हुआ रूमी दरवाजा। चलिए अब हमें सिराज भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? अब आगे मैं आपको क्लॉक टावर गार्डन दिखाएंगे, ब्रिटिश के ज़माने का लखनऊ कर्नल हाउस फोर्ट। अभी हमें क्लॉक टावर गार्डन लेके जा रहे हैं एंड शाही तालाब बताएंगे, जो मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था स्नान करने के लिए। शाही तालाब, शाही चबूतरा जिसको बोलते हैं, शाही तालाब। फिर सतखंडा दिखाएंगे, जो रानियों के बेगमों के चांद देखने के लिए बनाया गया था। फिर पिक्चर आर्ट गैलरी बाहर से दिखाएंगे आपको, जो बंद हो गई है। तो इन सब 3-4 जगहों के लिए 50 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। लगभग कितनी देर लगेगी? मैक्सिमम आधा घंटा। आधे घंटे में 4 चीजें कवर कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो इस टाइम मैं लखनऊ के हुसैनाबाद एरिया में हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं घंटाघर, ये इंडिया का टॉलेस्ट क्लॉक टावर है 221 फीट हाइट के साथ। तो इसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1881 में। इसके बिल्कुल ऊपर एक बर्ड सा लगा हुआ है जिसे ब्रास मेटल से बनाया गया है। वो हवा की डायरेक्शन इंडिकेट करता है, जिस साइड को हवा चलती है उस साइड को उसका फेस मूव हो जाता है। तो ये हम पहुँच चुके हैं शाही तालाब में, उसको शाही तालाब बोलते हैं। यहाँ के नवाब मोहम्मद अली शाह ने गरीबों के नहाने धोने के लिए बनवाया था, उसमें स्विमिंग भी करते थे, आम पब्लिक स्विमिंग के लिए भी बनवाया था। अच्छा, ये नहाने धोने के लिए लोगों के लिए बनाया था, एंड दिस इज शाही तालाब, और अभी भी यूज होता है नहाने धोने के लिए। लड़की के लिए बनवाया जा रहा था, उसकी डेड हो गई जब ये बन रहा था। तो ये 4 ही माले बन पाए थे, वहीं पर रुकवा के यहाँ के नवाब ने मनु घोषित कर दिया था। नाम वही आज भी सतकंडा, लेकिन बने थे 4। सतकंडा ये नवाब ने अपनी बेटी के लिए बनाया था ईद का चांद देखने के लिए, बकरीद मुहर्रम का चांद देखने। इतने बढ़िया लखनऊ के सफ़र की शुरुआत के बाद अगर प्रकाश की कुल्फी न हो तो मज़ा ही किस बात का। तो चलो ले चलता हूँ आपको प्रकाश की कुल्फी पे। वैसे तो बहुत लोगों ने रिकमेंड किया कि प्रकाश की कुल्फी पे ज़रूर जाना चाहिए, तो उन्हीं लोगों के कहने पे पहुँच गया हूँ प्रकाश की कुल्फी। तो चलो करते हैं ट्राई। प्रकाश की मशहूर कुल्फी है एंड लिटरली मानो मज़ा आ गया खाने का। स्पेशली आया अमीनाबाद, और ये हाफ प्लेट लगभग 70 रुपये की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ लखनऊ का सफ़र बहुत पसंद आया होगा। आगे के व्लॉग्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और प्लीज़ 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 जो लोग मेरा ये व्लॉग पहली बारी देख रहे हैं अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए,
और जम के शेयर कीजिए। गुड बाय।